गाइस आज का दिन जो है ना बहुत ही बेकार जा रहा है, क्योंकि पहले तो वो इन्वर्टर ने दिमाग खराब कर रखा है, अभी तक आवाज आ रही है, अभी मम्मी आई है, मम्मी का। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई अपनी हो गई है दोपहर बढ़िया स्टार्ट, क्योंकि भाई सुबह तो व्लॉग हमने स्टार्ट किया नहीं, हमने किया दोपहर को स्टार्ट। अभी बज रहे 2:20 एंड बाहर का मौसम लग ही नहीं रहा कि दोपहर हो रही है। आप खुद देखो मेरे पीछे और क्या मस्त काले घने बादल आ रखे हैं, बढ़िया एकदम, और हवा चल रही है उमदा। मतलब अगर आप देखो ना भाई, एक नंबर मौसम हो रहा है। मतलब अगर बंदा बाहर आके भी बैठ जाए ना तो मज़ा ही आ जाए, हवा ऐसी बढ़िया चल रही है। तो मैंने कहा चलो देखो, ये देखो, ओ हो 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 हो, जबरदस्त जबरदस्त सीन है। तो भाई बादल भी इतने सही काले हो रखे, बस बरस जाए तो मज़ा ही आ जाए। सो अभी देखते सब अंदर करके आ रहे हैं। मैं तो क्या नाम है, ऑफिस का काम कर रहा, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, देख के आते। चलो कहाँ हैं सारे, अम्मा यहाँ निखार कर रही हैं अपना। अम्मा जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो रहा है वैसे तो। यहाँ मम्मी जो है ना निखार कर रही हैं कि बाप बताओ आपकी जो छुट्टियाँ पड़ी है 7 दिन की, तो उसमें आपने 4 दिन की तो रेस्ट करना है या बस पूरा घर को उथल पुथल करना है? अरे ड्रॉर्स रह गए थे, अब ड्रॉर्स साफ हो गए अपना, पता नहीं डेली कुछ ना कुछ लगाती रहती है मुँह पे। सो गाइस बढ़िया जो है दिन की शुरुआत हो गई है। यार ऐसे मौसम में तो घूमने जाया जाए, पर छुट्टी नहीं है ना ऑफिस की, वरना तो घूमने निकल जाता। फिलहाल जो है आप इंजॉय करो बादलों का टाइम लैप्स, जो कि है एक नंबर हो रहा है, और क्या शानदार व्यू आ रहा है, बढ़िया एकदम, और मस्त चिड़िया विड़िया उड़ रही है। सो आप इंजॉय करो, मैं जा रहा हूँ काम करने ऑफिस का, ठीक है? चलो 3 2 1 बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। सो गाइज आई होप आपको टाइम लैप्स अच्छा लगा हो, और जो है मौसम अभी भी वैसे ही हो रहा है, बस हम बारिश का वेट कर रहे हैं कि बारिश आ जाए फटाक से। सो जब तक टाइम लैप्स हो रहा है तब तक अपन जो है रेडी हो चुके हैं, नहा धोके बढ़िया, एंड जो है मैं बाहर ही काम कर रहा था बैठ के, मैं लैपटॉप बाहर लाया क्योंकि मौसम इतना बढ़िया हो रहा था ना, मैंने कहा यार बाहर ही बैठते मज़ा आ जाएगा, और हवा तो एक नंबर चल रही है, बहुत शानदार। गाइस ऑफिस का काम हो गया है एंड जो है रात हो गई, मैं एक चीज़ से बहुत ही परेशान हो गया, हमने नया इन्वर्टर लगाया था, ये देखो कैसे आवाज़ कर रहा है, सब कुछ करके देख लिया बट ये सही नहीं हो रहा। पिछले पौन घंटे से जो है मैं इसी पे लगा हुआ हूँ, और अब जाके फ्री हुआ हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया, कह रहा भैया आप छोड़ दो मैं आ जाऊँगा, वो जिसने लगाया था वो आएगा करेगा सही। फिलहाल जो है अंधेरा ही हो गया यार, मैं सोच रहा था बाइक राइड पे जाऊँगा, तब बढ़िया मौसम हो रहा था, साला ये पूरे के पूरा ऐसी तैसी हो गई। खैर कोई नहीं, देखते हैं अब क्या कर सकते हैं, अभी वो आएगा थोड़ी देर में, अभी तो मैंने खैर डायरेक्ट कर दी लाइट, इलेक्ट्रीशियन बन गया मैंने, तारे वारे इधर उधर से जोड़ के उसने जैसे बताया फ़ोन मैंने कर दिया, तो लाइट तो आ गई घर पे, बट जो है आवाज़ बहुत इरिटेटिंग सी है वो। गाइस आज का दिन जो है ना बहुत ही बेकार जा रहा है, क्योंकि पहले तो वो इन्वर्टर ने दिमाग ख़राब कर रखा, अभी तक आवाज़ आ रही है, अभी मम्मी आई है, मम्मी का सर फट गया, मम्मी सीढ़ी से ऊपर आ रही थी और ना पैर फिसल गया, मम्मी के सर पर चोट लग गई, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, थोड़ा सा खून निकलने लग गया, और हम डर गए, हमको लगा भाई सर फट गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ थैंक गॉड। बट यार ये बहुत बेकार दिन गया आज का यार, परेशान कर दिया। डॉक्टर पे चले, ये उंगली भी नहीं हिल रही, क्या हुआ दिखाओ। अरे भाई अभी गोली खा लो, लो दवाई खाओ पहले, ये लो दवाई खाओ, आ करो। इस अभी का सीन ऐसा है कि मम्मी को फैमिली डॉक्टर पे ले गया था, और थैंकफुली उनका सर में ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ा सा लगा है ना तो खरोच आई है, जिसकी वजह से जो है उनको थोड़ा सा ब्लड निकल रहा था, तो हम लोग डर गए, हमको लगा कहीं स्टिचेस वगैरह लगे तो प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसलिए फिर अभी डॉक्टर पे हुआ है, मेडिसिन उन्होंने दे दी है, वो मेडिसिन मम्मी को खिला दी है, अभी सिकाई के लिए बोला है, वो कर रही हैं घर पर, तो अभी थोड़ा रेस्ट करिए, उनकी उंगली पर भी लग गई है, देखते हैं उंगली का तो कल पता चलेगा कि अगर वो दर्द जब कम होगा तब जो है, अरे क्या गया, तब पता चलेगा कि फ्रैक्चर व्रैक्चर तो नहीं है उंगली पे। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि मम्मी अभी रेस्ट कर रही है, तो मैंने कहा चलो हो आता हूँ, थोड़ा सा लेट ही हो गया, तो मिलते हैं करते हैं बात यार, अभी दिमाग ना थोड़ा सा ना इधर उधर हो रखा है यार, एकदम से मम्मी आए ना मैं तो ऐसे दिल ना ऐसे सा हो गया एकदम अजीब सा, क्योंकि वो हाथ में उनका खून लगा था ना भाई, बहुत अजीब सा हो गया था। सो गाइस आ गए जिम से वापस, कैसे हो, ठीक हो?
क्या लगाया सर पे? लगाया कुछ? उंगली सही है? दर्द हो रही है? कल चल लेंगे डॉक्टर के पास। स्वेल हो गई है क्या? तो अभी क्यों चले जाते ना पापा के साथ? अभी तो कोई नहीं है, कल डरा दिया यार आज आपने मेरे तो बिल्कुल वही नहीं हो रहा था, जिम ही नहीं हो रही थी, बाबा दिमाग ना आपकी तरफ जा रहा था। चलो सही हो जाओगी यार, सुपर वुमनिया है तू, सुपर वुमनिया। दिखाओ मम्मी, खून तो अभी भी निकल रहा है। खाना खा लिया? मीटर लगा दिया। क्या मीटर लगा दिया आपने? लगा दिया कैसे? इन्वर्टर सही कर दिया आपने? वाह। सो गाइस अपना तो डिनर टाइम हो गया, तो अपन डिनर करते हैं। इस कर लिया डिनर बढ़िया, एंड जो है आई नो आप लोग परेशान हो गए होंगे क्योंकि मम्मी को ऐसे देख के, तो मम्मी कह रही कि अभी मैं बिल्कुल सही हूँ। कैसे फील कर रहे हो? बेटर फील कर रहे हो? तो मैंने कहा चलो मम्मी से आपकी बात करा देते हैं। तो अभी ठीक है मम्मी, ज़्यादा थैंकफुली कुछ हुआ नहीं, छोटे में टल गई जो एक बड़ी चीज़ हो सकती थी, बट थैंक गॉड कुछ भी नहीं हुआ। सो मैंने कहा चलो आओ सबसे बात कर लो आप, ठीक है? सही हो? चलो सही है। तो अभी बस इस व्लॉग को एंड करते हैं, एंड आप लोगों से कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय। आज मूड थोड़ा सा ना वैसे ही हो रहा है इनकी वजह से, डरा दिया। चलो बाय बाय कर दो, बाय।